स्टंट
शास्त्री के नाम से और बड़े अच्छे शिक्षक के रूप में और अच्छे हलवाई और कैटर्स के रूप में है। अगली कड़ी में श्रीमान बजराम जी साहब विराजे हैं, हमारे वयोवृद्ध बजराम जी साहब। निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान बजराम जी बासा पधारो मंच माते, और निवेदन करना चाहूंगा मुखाराम जी मेघवाल पूर्व एसएससी सचिव थे हमारे और हमारे बड़े ठीकर आदमी हैं, एडवाइट साहब से उसको पुकारते हैं, मैथ्स टीचर है। श्रीमान मुखाराम जी मेघवाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बजराम जी बासा का जी 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 हम इनको सबसे देवली स्कूल के अंदर सबसे लंबे समय से मुखाराम जी एक बार जोरदार तालियां। अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा सैन साहब से, पधारो सैन साहब। श्रीमान असलाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप असलाराम जी सैन साहब का स्वागत करें, और इन्होंने बालिका स्कूल के लिए आजीवन निष्ठान की घोषणा की है, जोरदार तालियां। और हेडमास्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार पुनः इनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावे। एक मिनट सर करूंगा कि घोमाराम जी का मल्यार्पण द्वारा स्वागत करावे। आप एसडीएमसी सदस्य हैं। स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान पेमाराम जी कुपा जी बोले वाह मंच पर बता रहे बीच में निवेदन करना चाहूंगा सरवण जी जामीर साहब से। श्रीमान पेमाराम जी कुपा जी का एसडीएमसी सदस्य होने के नाते आप माल्यार्पण करावे। श्रीमान सरवण कुमार जी पुस्तकालय अध्यक्ष राजकीय देवड़ी राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल देवड़ी बाबू जी। स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान ताराराम जी दौला जी बरपा हमारे विद्यालय के बामासा हैं। निवेदन करना चाहूंगा जगराम जी ऊर्जावान संधि दौड़े। श्रीमान ताराराम जी दौला जी बरपा आपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर भी भेंट किया और जब भी आवश्यकता होती है तो हमारा बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। आपके सुपुत्र मोहन सिंह जी एक बड़े बिल्डर के रूप में कार्यरत हैं। श्रीमान ताराराम जी का स्वागत किया गया। श्रीमान बनाराम जी पूर्व उप सरपंच निवेदन करना चाहूंगा आप ही मंच पर पधारे, और स्वागत करने के लिए सुरेंद्र कुमार जी साहब पधारे मंच पर, आप इनका स्वागत करावे। बनाराम जी उप सरपंच बीच में पधारे मंच पर सर, पूर्व उप सरपंच है और हमारे एसडीएमसी के सदस्य भी है। स्वागत की अगली कड़ी में तड़ाराम जी काकोसा निवेदन करना चाहूंगा पीटी साहब से, पीटी जी पधारे और हमारे तड़ाराम जी काकोसा का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावे। स्वागत की अगली कड़ी में सुरेंद्र सिंह जी राजभवन पूर्व विधायक प्रतिनिधि भी थे और एसडीएमसी सदस्य भी रह चुके हैं। निवेदन करना चाहूंगा हरिराम जी सर से आप पधारे और सुरेंद्र सिंह जी राजभवन साहब का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावे बीच में पधारे आप भी। जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की अगली कड़ी में मैं नाम लेना चाहूंगा दिनेश गिरी जी, दिनेश कुमार जी और विक्रम गिरी जी पधारे दोनों पधारे। और 5 वर्ष तक के लिए आजीवन जो साउंड की व्यवस्था 15 अगस्त पर की गई है उनके लिए जोरदार तालियां। भाई दिनेश जी दर्जी जम्पू भाई के सुपुत्र हैं। स्वागत के लिए प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि इन्होंने 5 वर्ष तक 15 अगस्त पर आजीवन साउंड की व्यवस्था इन्होंने की है 5 वर्ष तक के लिए। दिनेश भाई और विक्रम गिरी जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें और प्रिंसिपल साहब के कर कमलों के द्वारा आप अपना सम्मान प्राप्त करें। स्वागत की अगली कड़ी में विनोद जी ठेकेदार साहब से निवेदन करूंगा आप मंच पर पधारें। श्रीमान तुलसीराम जी सर से निवेदन करूंगा पूर्व ये हमारे क्लास फर्स्ट का बच्चा है और इस फर्स्ट के बच्चे की ओर से एक सुंदर कविता प्रस्तुत की जा रही है दिव्यांशु कक्षा फर्स्ट हायर सेकेंडरी स्कूल देवरी बाबू जी बंदे वाह सभी
जोरदार तालियां दिव्यांशु के लिए। सौ रुपए सरपंच साहब की ओर से। दिव्यांशु को बेटा, दिव्यांशु सौ रुपए गुप्त दान, सौ रुपए मुन्ना जी की ओर से, पचास रुपए घुमा राम जी की ओर से भेज दिए हैं, पचास रुपए नरपत सिंह की टेंट वालों की ओर से मिले हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। ये हरिराम जी सर ने इस बालक को तैयार किया था। एक सूचना देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐसी आजादी देते हैं, इसी प्रकार से मानव को भी मानव की तरफ से आजादी मिलनी चाहिए। ये बहुत सोचने की बात है। मैं कोई दूसरी बातों का संज्ञान नहीं लूंगा, यहाँ पे दूसरी बातें नहीं कहूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि हर घर तिरंगा अभियान के अंदर अपन को तिरंगा लहराने के लिए दिया है, हम खुशी से लहरा रहे हैं। लेकिन इस बात का भी गौर करें कि आज 15 अगस्त है, तो कल ऐसा ना हो कि ये तिरंगा कहीं रोड में कचरे में पड़ा मिले। इसीलिए इस तिरंगों को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, इस बात का भी गौर करें और इसको सच सम्मान समेत अपने पास रखें। जैसे सोने के जेवर होते हैं वो तो चले जाते आते जाते हैं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका सम्मान करें। और कहीं भी आपको भी तिरंगा दिखे, उसकी डीपी ने बनाए उसको लेकर के सब सम्मान रखे। अगले साल हो सकता है 26 जनवरी के दिन वो अपने काम है। इस बात का विशेष तौर से सभी ग्रामवासी ध्यान दें कि कहीं भी तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। ये मेरी विशेष आपसे कर्म निवेदन है। जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभी वर्तमान में एक सूचना देना चाहूंगा, उनकी ओर से इन गायों के उपचार के लिए फिटकरी है या फिनाइल की व्यवस्था है या जो भी अपने दले की व्यवस्था है, और भोपाल सिंह जी सर संपर्क करें ताकि जो ये गायों की जो ग्राम पंचायत की ओर से की जो गायों उसके लिए आपके गाँव के ही युवा वो मारा कौन तो मुंह हम्मी ये तो।